बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन जो है वो रहता है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं डाउट्स जो वो रहते हैं बच्चों के मन में जो है क्योंकि 2011 से लेकर 2016 तक जो है ये एक मतलब बनी बनाई बात थी कि पॉइंट जो है उसके लाइफ और करियर को लेकर के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में नहीं पूछे जाते उसके से रिलेटेड क्वेश्चन जो नहीं पूछे जाते वो मिथ जो है वो 2020 में जो वो टूट चुका है तो हम पोइट को लेकर के भी जो है वो हमारे पास एडिक्वेट इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए जब भी हम किसी पोईम को जो वो करते हैं आज हम विलियम की डफोडिल्स करने जा रहे हैं और खास करके जब हम पोइट से रिलेटेड जो है डिटेल्स जो है वो पढ़ते हैं तो हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है हमें कोई अननेसेसरी डिटेल जो है वो नहीं याद रखनी होती है सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स जो है उनको याद रखना होता है हम पोइट्री सेक्शन के इन एट वीडियोज के माध्यम से आपको सिर्फ वही चीजें बताने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड है हम उन्हीं के बारे में जो बात करेंगे जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में वर्ड्स डेफोडिल्स इसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो है अगर जो हम देखें विलियम वर्ड्सवर्थ का ये जो पोइम डेफोडिल्स uh, जो है ठीक है इसका जो पोइम के बारे में जो भी सूचनाएं हैं डिटेल्स हैं इंफॉर्मेशन है उसकी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले वर्जवर्द जो हैं उसके बारे में बात करना जरूरी है ही इज यू कैन से कोलोसस फिगर इज अ वेरी यू कैन से फेमस प्रोमिनेंट रोमांटिक पॉइंट एक बहुत बड़े रोमांटिक पॉइंट हैं द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम वर्जवर्द इज दैट ही इज अ नेचर पॉइट एंड ही इज़ अ रोमांटिक पॉइट जो पहला इंट्रोडक्शन है वर्जवर्द का वो यही है कि वो नेचर पोइट हैं और वो एक रोमांटिक पोइट हैं है ना यू कैन सी दैट द पोइट्स दैट यू कैन से द एज ऑफ रोमांटिसिज्म दैट रंस फ्रॉम सेवनटीन नाइनटी एट टू एटीन थर्टी टू एंड थर्टीन सेवन एटीन थर्टी टू द ईयर ऑफ द रिफॉर्म एक्ट एंड समाइम्स इट इज जस्ट यू कैन से सेटीन थर्टी सेवन द बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एज तो वो आ, रोमांटिक पॉइंट है विलियम वर्ड्सवर्ड जो है और इसके बारे में जो हम जानकारी लेंगे क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको ना पूछे जाए बिल्कुल पूछे जाएंगे और इसको लेकर के आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है अननेसेसरी डिटेल्स जो है उसको नहीं पढ़ना है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है वो दिखाएंगे सबसे पहले जो है अगर जो हम बात करें उसके बर्थ ईयर और डेथ ईयर की इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू टू सी बर्थ ईयर एंड 1850 उसके बाद में जो है आपको उनका जो बर्थ प्लेस जो है उसको भी याद रखना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े फिगर हैं बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट फिगर हैं बहुत बड़े रोमांटिक पॉइंट हैं तो इसको जो आपको देखना है उसके बाद में जो है आपका है ना इंग्लिश रोमांटिक पॉइंट है मैंने आपको बता दिया है ना और 1802 में जो है उनकी मैरिज जो है मैरी मेरी हचिनसन जो है उसके साथ हुई ये भी जो है वो आपको डिटेल जो है वो याद रखनी है और उनकी सिस्टर जो है उसका नाम जो है वो डोरोथी था और डोरोथी को मैंने इसलिए यहाँ पर जो है वो लिखा क्योंकि डेफोडिल्स जो है जब वास्तव में ये एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड पोइम है जिस समय वर्जवर्ड ने डेफोडिल्स जो है उनको देखा उस समय डोरोथी उनके साथ थी और दिस इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एक्ट विकिपीडिया प्लेटफॉर्म आल्सो तो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद हम जो है बात करते हैं नेक्स्ट जो है ही इज़ अ लेक पॉइंट है ना ये भी एक ऐसी डिटेल है जो हमें आ, पता होनी चाहिए ये भी एक ऐसी डिटेल है जो हमें पता होनी चाहिए उदाहरण के लिए आ, लेक पोइट्स जो हैं वो वो पोइट्स थे जो आ, लेक डिस्ट्रिक्ट के इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में जो रहते थे उनमें अगर जी दूसरे पॉइंट जो है एस टी कॉलेज रॉबर्ट साउदे इनका नाम भी जो है हाँ आप याद रख सकते हैं और डोरोथी जो है उसको भी आप इसके अंदर जो वो ले सकते हैं उसके बाद जो है आपका ये एक और डिटेल है कि ही वॉज मेड द पॉइंट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड इन 1843 फोर्टी थ्री है ना ये ईयर जो है वो भी आप याद जो है वो रख सकते हैं ये ए लोस्ट लीडर जो है उनको ब्राउनिंग ने कहा था है ना ये भी एक रिमार्क है या किसने कहा था लॉस लीडर वर्जवर्ड को कहा था क्यों कहा था इसके पीछे यही कारण है कि पहले जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम में वर्जवर्ड जो हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या दूसरी चीज़ों को जो है फॉलो करते थे और ये दोनों डिटेल एक साथ लिखने के पीछे कारण यही है कि जब वर्जवर्ड जो है 1843 में पोइट लोरेट जो बना दिए गए तो बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने वर्ज का ये जो डिविएशन जो था ये जो भटकाव जो था कि किस तरीके से उन्होंने रॉयलिज़्म जो है उनके सामने घुटने जो टेक दिए है ना और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो गलत थी और इस चीज़ से खफा होकर के रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो उनको एक लोस्ट लीडर जो वो कहते हैं अच्छा जो है वो एक डिटेल है उसके बाद शैले जो है वो उनको एक पॉलिटिकल यूनिक जो है वो कहते हैं ही इज ए पॉलिटिकल यूनिक ओनली बिकॉज वैन ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ पोइट लॉरेट इन एटीन फोर्टी थ्री जाहिर सी बात है कि पहले फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम जो है फ्रांस की क्रांति के समय में वो फ्रीडम जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर रहे थे न्यू आइडियाज़ को जो, जो वो सपोर्ट कर रहे थे और अचानक से जो है उनका जो है रॉयलिज़म के प्रति धु झ झुकाव जो है या एक तरीके से कोर्ट जो है उसके प्रति झुकाव जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो उनको एक लोस लीडर बनाता है और एक पॉलिटिकल यूनिक जो बनाता है लोस लीडर किसने कहा था रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था और पॉलिटिकल यूनिक जो है वो किसने कहा था पी बी शैलेज ने जो है उनको कहा था इस घटना के कारण जो है तो आपने देखा कि ये सारी की सारी डिटेल जो है है ना वर्जवर्द के बारे में वेदर इट इज बर्थ प्लेस है वो रोमांटिक पॉइंट है है ना 1802 जीरो टू में जो, में जो मैरी हचिनसन के साथ मैरिज है सिस्टर का नेम है है ना लेक पॉइंट है वो है ना कौन से दूसरे पॉइंट्स हैं है ना और कब उनको पॉइंट लोरेट जो बनाया गया और पोइट लोरेट बनने पर कौन से लोगों का क्या जो है वो रिएक्शन था ये सारी डिटेल जो बहुत है बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जैसा कि मैंने कहा कि ही इज अ नेचर पॉइंट है ना और रोमांटिकस्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट एंड ही इज अ रोमांटिकॉइट यहाँ पर आप याद रखेंगे वन बाई वन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वर्डवर्ड जो है उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड उनकी लाइफ और करियर से रिलेटेड है जो एग्जाम ओरिएटेड है एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके समक्ष जो आ, ये वर्ड जो है पेंथइजम जो है दरअसल बींग ने पॉइट जो है ना आप ये देखते हैं ही इज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर ना इज अ काइंड ऑफ फिलोसफी दैट बिलीव दैट गोड इज इन नेचर आपसे कोई पूछे कि वट इज पैंथेइजम एंड हाउ विलियम हाउमर्थ इज ए पैंथेस्टिक कैसे वो एक पैंथेस्ट है कैसे ये फिलोसफी ऑफ जो है वो क्या कहती है पेंथेज्म का मतलब होता है ए काइंड ऑफ फिलोसफी दैट बिलीव दैट गोड इज इन नेचर एक ऐसा दर्शन जो ये कहता है कि भगवान जो है परमात्मा जो है वो प्रकृति में है परमात्मा और प्रकृति को एक एक करना दैट इज़ कोल्ड पेंथिइज्म तो ये दर्शन शास्त्र तो वो आप जो है वर्जवर्ड जो है उसको आप नेचर पॉइंट के तौर पर जो है वो जरूर जो है वो देखें दूसरी बात जो है जब आप पेंथिइज्म की बात करते हैं वर्जवर्द की बात करते हैं वर्जवर्द के नेचर पॉइंट जो है उसकी बात करते हैं हमेशा याद रखें वर्जवर्ध जो है वो उसका नेचर के प्रति झुकाव जो है वो अचानक नहीं था ऑल ऑफ सडन नहीं था इसके डेवलपमेंट के कुछ एक स्टेजेज़ हैं आपको उन स्टेजेज़ को जो है वो जरूर याद रखना है फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट फेज जो है उसके अंदर जो है सिर्फ जो है नेचर जो है उसके प्रति उनका एक सुपरफिशियल जो है वो अट्रैक्शन है नेचर जो है उसके प्रति सुपरफिशियल जो है वो एक अट्रैक्शन है और नेचर के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं हिल्स हैं रिवर्स हैं नदियां हैं वो उनको बहुत अच्छी लगती हैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द यू कैन सी एटीट्यूड ऑफ विलियम वर्ड्स टू नेचर द अप्रोच ऑफ विलियम वर्ड्स टू नेचर एंड हाउ इट ग्रेजुअली डेवलप्ड कैसे जो है वो धीरे धीरे जो है वो डेवलप हुई ऑन द वेरी फर्स्ट एट द वेरी फर्स्ट स्टेज ही वॉज अफेक्टेड अट्रैक्टेड ओनली बाय द सुपरफिशियल ब्यूटी ऑफ द नेचर द सुपरफिशियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर द हिल्स द रिवर्स है ना जो बाहरी सुंदरता जो है उससे जो वो प्रभावित थे विलियम वर्जवर्ड जो है पहली जो उनकी अवस्था थी प्रकृति के प्रति उनकी प्रेम की जो पहली अवस्था थी सेकंड जो उनकी अवस्था जो थी सेकंड जो थी वो ये थी कि ही स्टार्टेड यू कैन से फीलिंग हीलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर हीलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर दैट इज टू से जब कभी भी आप दुखी होते हैं जब कभी भी आप निराश होते हैं प्रकृति जो है वो आपके वुंड्स जो है उनको हील करती हैं उनको एक तरीके से जो कहें कि आपके घावों को जो है वो भरती हैं है ना हीलिंग इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि इफ़ यू आर पेन्ड इफ यू आर टोरमेंटेड इफ यू आर टोर्चर्ड एंड इवन देन इफ यू गो इन द कंपनी ऑफ नेचर नेचर सूथ्स यू नेचर जस्ट यू कैन से गिव यू सॉलेस आपको कंफर्ट देती हैं सॉलेस देती हैं है ना आप टोर्मेंटेड हैं तो आपको नेचर की शरण में जाकर के आराम मिलता है दैट इज कॉल्ड हीलिंग इन्फ्लुएंस एंड आफ्टर दैट जो है आप हीलिंग इन्फ्लुएंस जो है उसकी बात करते हैं सेकेंड स्टेज के अंदर उसके बाद जो है आपका थर्ड स्टेज जो है उसमें हम ये देखते हैं कि वर्ज जस्ट यू कैन से फाउंड अ ग्रेट टीचर इन नेचर है ना जब जब उसने गलतियां की नेचर ने उनको जो है सबक सिखाया है ना नेचर के अंदर जो है उसको एक गाइड मिला एक टीचर मिला है ना ये उनका थर्ड स्टेज जो है वो आप कह सकते हैं एंड द फोर्थ स्टेज एंड द लास्ट स्टेज वहां पर जो है आपको क्या कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर जो है साक्षात जो है उनको भगवान जो है वो दिखने लगा है ना वो गोड के अंदर प्रकृति जो है उसके अंदर जो है उसको स्प्रिचुअलिजिट एक तरीके से जो है गोड जो है उसको जो है वो देखने लगे यानी गोड और नेचर को जो है वो एक तरीके से एक जो कर देते हैं द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू से दैट गोड और यू कैन से गोड एग्जिस्ट इन नेचर देन यू नेचर एंड वैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट वट इज इज अप्रोच टू नेचर यू हैव टू जस्ट सी दैट देयर इज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ यू कैन से फेथ ऑफ विलियम वर्जवर्द इन नेचर And that gradual development can be explained through these four phases. The first phase is that he was just, you can say, attracted by the superficial beauty of the nature. In the second stage, he just felt the healing influence of nature. And in the third stage, he uh, just, you can say, found a great teacher in nature, a guide in nature. And in the fourth stage, these all things, all these things have been just discussed in his famous uh, uh, poem. Uh,

Uh, मैंने आपको फिर कहा कि जब हम किसी पोइट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू सी कि कौन सी जानकारी हमारे लिए एग्जाम ओरिएंटेड है और कौन सी नहीं है तो इसलिए यहाँ पर एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताई जा रही हैं सेवेंटीन जो है ये ईयर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्जवर्ड के लाइफ एंड करियर के अंदर जो है क्यों तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो इस साल जो है आपका वर्जवर्ड जो है आ, फ्रांस जो है उसकी विजिट उन्होंने जो है वो करी थी सेवनटीन के अंदर जो है और ये फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है उससे रिलेटेड ईयर है है ना फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है अब आप सोचेंगे फ्रेंच रिवोल्यूशन और वर्जवर्ड क्या क्या संबंध है ना वर्जवर्ड जो है वो फ्रांस की विजिट करते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन को करीब से देखते हैं और उनको लगता है कि वास्तव में जो है वो ये रिवोल्यूशन सही है ये क्रांति सही है आजादी जो है वो होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए वगैरह वगैरह ये चीजें जो उन्होंने देखी है ना दो घटनाएं द रेन ऑफ टेरर और द फॉल ऑफ ये दोनों का संबंध जो है वो भी आपका ईयर 1789 से है और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि ये जो दोनों घटनाएं है जो हैं है ना वो क्यों जो है आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है द फॉल ऑफ बेस्टिल की बात करें बेस्टिल एक प्रिजन है है ना एक तरीके से एक जेल है उस जेल को तोड़ करके जो है जो बंदी थे वो बाहर भाग गए थे और वही फ्रेंच रिवोल्यूशन की शुरुआत थी अब फ्रेंच रिवोल्यूशन और वर्जवर्द का क्या संबंध है क्योंकि जब हम वर्जवर्द को एक रोमांटिक पॉइंट कहते हैं तो जाहिर सी बात है रोमांटिसिज्म जो है वो फ्रीडम की बात करता है रोमांटिसिज्म जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है लिबरलिज्म की बात करता है तो कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवोल्यूशन का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो रोमांटिसिज्म से है और इसीलिए जो है हमें इन दोनों घटनाओं को जो है वो देखना चाहिए लेकिन इतना पर्याप्त है द फॉल ऑफ बेस्टिल और द रेन ऑफ टेरर या फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो ईयर है 1789 जो है ये हमें याद रहे तो ज़्यादा जरूरी है ध्यान रहे हम क्या कर रहे हैं हम विलियम वर्जवर्ड की लाइफ एंड करियर को देख रहे हैं संक्षेप में देख रहे हैं वो घटनाएं देख रहे हैं जो वास्तव में इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है उसके बाद हम देखते हैं सेवनटीन में जो है वो सेवनटीन में क्या हुआ था 1791 सॉरी फ्रेंच के बाद जो है उन्होंने रिवोल्यूशनरी फ्रांस जो है उसको विजिट किया था है ना और उसके बाद वहां पर जो है ही फेल इन लव विद फ्रेंच वुमेन ठीक है एनेट वेलन जो है वो है ना आप याद कर सकते हैं मैरी हचिनसन के बाद जो सेकंड फिगर है उनकी लाइफ में जो है है ना और उसके बाद में जो है ये उनकी डोटर जो है उनका नेम है इसको भी आप जो याद कर सकते हैं हालांकि कई बार ये डिटेल्स जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं भी लगती हैं लेकिन थोड़ा सा अगर जो बड़ी घटनाएं हैं अगर जो हम इनको याद कर लें तो हमारी सेहत के लिए ठीक जो वो रहेगा नेक्स्ट जो है आपका वर्जर जो है वो आपके सेवनटीन के अंदर जो है वो मिले थे किससे मिले थे कॉलिस से मिले थे और ये दोनों बड़े फिगर हैं है ना आपको याद रखना है सेवनटीन नाइनटी फाइव में मिले थे और इन दोनों की जो जुगलबंदी थी वो लिरिकल बैलेट्स का कारण बनी लिरिकल बैलेट्स जो हैं वो लिखा गया दोनों के द्वारा लिखा गया तेईस पोइम्स हैं ट्वेंटी थ्री पोइम्स हैं उसके अंदर और नाइनटीन जो है वर्जवर्ड ने लिखी थी चार जो हैं वो एस टी कॉलरिज जो है उसने लिखी थी उसके बाद जो है सेवनटीन नाइन्टी एट अभी लिरिकल बैलेट्स की बात हमने की और लिरिकल बैलेट्स जो हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है इट इज़ ए वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट वर्क इपो मेकिंग वर्क क्यों कहा मैंने ये एक इम्पोक मेकिंग वर्क है इसलिए कहा क्योंकि वास्तव में अगर ये देखा जाए तो uh, एक युग निर्माण करने वाला वर्क है इसने न्यू क्लासिकल पोइट्री जो है उसकी धज्जियां उड़ा करके रख दी एक नई कविता जो है एक रिवोल्यूशनरी पोइम जो है जिसमें लव फॉर नेचर है जिसमें लव फॉर सिंप्लिसिटी है जिसमें लव फॉर रूरल बैकग्राउंड है लव फॉर कंट्री साइड है तो, आ, है ना तो लव फॉर रस्टिक्स हैं लव फॉर मेलेंकली हैं लव फॉर सुपर नेचुरल हैं ये सारी चीज़ें जो हैं यानी मिडावल एज में जो चीज़ें हम देखते थे या एज ऑफ एलिजाबेथ के अंदर जो चीज़ें देखते थे जो चीज़ें हम एलिजाबेथन लिटरेचर में देखते थे दोबारा से जो उनका रिवाइवल हुआ इस एज में जो है तो कहीं ना कहीं सेवनटीन या लिरिकल बैलेट्स जो हैं वो जर्नी ऑफ रोमांटिसिज्म जो है उसका एक माइलस्टोन है एक मील का पत्थर है यहीं से हम ये मानते हैं कि रोमांटिसिज्म जो उसकी शुरुआत हुई इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम जुटा सके वो कम है तो लिरिकल बैलेट्स जो है मैंने बताया कि इस लिरिकल बैलेट्स में जो है वो ट्वेंटी थ्री थी कुल और इसमें से जो है आपकी नाइनटीन जो है वो वर्ड्सवर्द के द्वारा लिखी गई थी और फोर जो है वो आपकी एस टी जो है उसके द्वारा जो है वो लिखी गई थी फोर पॉइंट जो है वो एस टी कोलरिज जो है उसने लिखी थी तो ये आपकी वो थी है ना उसके बाद जो है और विलियम जो है, उनको लेकर के कई बार कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है डिफरेंसेस जो है उनके थॉट परसेप्शन में जो डिफरेंसेस थे उसके बारे में पूछा जाता है वर्जवर्ड जो है उनका ये मानना था कि नेचर जो है वो सुपी, सुप्रीम है सुपीरियर है माइंड जो है वो सुपीरियर नहीं है और कॉलरीज का ये मानना था कि माइंड जो है वो सुपीरियर है वर्जवर्ड ये कहते थे हिलिंग इन्फ्लुएंस की हमने बात की कि अगर जो आपका मूड ख़राब भी है फिर भी आप प्रकृति की शरण में जाते हो तो आपका मूड ठीक हो जाएगा कॉलरीज ऐसा नहीं मानते थे कॉलरीज ये मानते थे कि नहीं माइंड इज सुपीरियर माइंड जो है वो सुपीरियर है अगर जो आपका मूड खराब है और आप गार्डन में जाते हो तो भी आपका जो है वो मसला हल होने वाला नहीं है बीवी से लड़ने के बाद अगर जो आप गार्डन में जा रहे हो तो भी आपका मसला हल होने वाला नहीं है लेकिन वर्ज word को ऐसा लगता था कि नहीं नेचर इज सुपीरियर एंड इट कैन हील योर वुंड्स है ना ये आपके वुंड्स जो हैं आपके घाव जो हैं उनको हील कर सकते हैं है ना लैंग्वेज ऑफ पोइट्री को लेकर के भी जो है उनके काफ़ी सारे जो डिफरेंसेस थे आपस में जो है है ना स्पेशली जब मीटर की बात करें वर्डवर्ड word जो है वो मीटर को लेकर के जो है एक तरीके से जो है वो कहता था भाई मीटर जो है आपका एक तरीके से असेंशियल है जरूरी है और वर्ज वर्ड ये कहते थे कि नो देअर ना इधर इज नोर कैन बी एनी असेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ यू कैन से प्रोज एंड द मेट्रिकल कंपोजिशन भाई प्रोज और पोएट्री की भाषा में कोई फर्क जब नहीं होता है वर्ज वर्ड ऐसा कहते थे और कोलरीज ऐसा कहते थे देअर इज देयर इज एंड देयर देयर असेंशियली इज डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड प्रोज जो है तो मीटर को वर्जवर्ड जो है एक सुपर एडिड प्लेजर मानते थे भाई नहीं है तो चलेगा अगर जो है तो इससे प्लेजर जो है वो बढ़ जाता है लेकिन एस टी कॉलरिज जो है ऐसा नहीं मानते थे तो, तो मीटर को लेकर के भी जो आपको जो थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए हाँ उसके बाद उनकी जो थियोरी ऑफ पोइट्री जो है ना वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्यों पता होना चाहिए इसके इसके पीछे का कारण भी मैं बताता हूं इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जो आपकी पोइम है डफोडिल्स जो है वो पूरी तरह से वर्जवर्ड की थियरी ऑफ पोइट्री के ऊपर बेस्ड है सारी पोइम जो है वर्जवर्द की थियरी ऑफ पोइट्री के ऊपर बेस्ड हैं कैसे बेस्ड हैं आप देखेंगे उनकी जो थ्योरी ऑफ पोइट्री जो है उसमें जो सबसे बड़ी जो डेफिनेशन आप जरूर याद करें इस डेफिनेशन को एज इट इज एग्जाम में आपको इस डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम द इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रेंकिलेटिव इस डेफिनेशन को भी जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इस डेफिनेशन को एज इट इज आपको याद करना है इस डेफिनेशन के पीछे की जो कहानी है वो अगली स्लाइड में जो है आपके समक्ष है कि फोर स्टेजेस ऑफ पोइट्री जो है मैंने कोई भी पोईम जब आप तक पहुंचती है कोई भी पोइट एक पोइम जो है वो लिखता है तो कैसे पहुंचती है है ना फोर स्टेजेस आर दिए है ना और ये सारी बातें जो है वो आपकी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स में जो है वो दी हुई है वर्जवर्थ के द्वारा दी हुई है सबसे पहली बात जो पोइट्री इज नॉट द इमीजिएट एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस माने ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज देखी और भाग करके उसको कागज के ऊपर जो है वो लिख दिया नहीं आप किसी ऑब्जेक्ट को है ना कोई किसी नेचुरल ऑब्जेक्ट को किसी फिगर को किसी इंसान को जो आप देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं है ना और फिर ऑब्जर्वेशन जो है उसके बाद में उस घटना का उस ऑब्जेक्ट का रिकलेक्शन होता है इस ऑब्जर्वेशन और रिकलेक्शन के बीच में काफ़ी समय जो है वो आपका जो है वो रहता है काफ़ी समय दैट इज़ टू से जो है वो दस मिनट भी हो सकता है है ना आधा घंटा भी हो सकता है और दस साल भी हो सकता है है ना दो साल भी हो सकता है चार साल भी हो सकता है है ना आप अकेले बैठे हैं आइसोलेशन में हैं और आप उस ऑब्जेक्ट को याद करते हैं आप उस फ्लावर को याद करते हैं आप उस ब्यूटीफुल फ्लावर को याद करते हैं आप उस ब्यूटीफुल वुमेन को याद करते हैं तो आप उन विचारों को जो पहली स्टेज में आपने जो विचार जो हैं वो आए थे ऑब्जर्वेशन के दौरान उनको रिकलेक्ट करते हैं उनको क्या करते हैं रिकलेक्ट करते हैं और रिकलेक्ट करने जो रिकलेक्ट जब आप उनको करते हैं तो उसके अंदर जितनी भी सुपरफिलिटीज होती हैं उनको जो है वो छोड़ दिया जाता है माने अननेसेसरी चीजें होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप उसको जो रिकलेक्ट करते हैं और ऑब्जर्वेशन और रिकलेक्शन के दरमियान जो काफी फासला होता है कई बार तो पचास साल का भी हो सकता है है ना और ये जो रिकलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आइसोलेशन के अंदर जो है वो रहता है है ना परिभाषा की बात करेंगे डेफिनेशन की बात करेंगे वहाँ पे आप कंटेंप्लेशन करते हैं है ना कंटम्पलेशन से सीधा सीधा मतलब जो है कि उसी इमोशन को जो है वो सेम स्प्रिट के साथ जो है वो एक तरीके से क्या करना है सेम स्प्रिट के साथ में गेन करना है माने उस समय जो भावनाएं जो है वो जागी थी उसको महसूस करना है उसको फील करना है है ना आप किसी पार्टी में गए वहाँ पे आपने जो है कोई अच्छी चीज़ जो खाई और आप घर आकर जो है वो एक दिन बाद दो दिन बाद जो बता रहे हैं कि वहाँ पे एक आइटम था क्या मस्त आइटम था है ना मैंने खाया उसको जो तो कहने का तात्पर्य जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं जो है आप जो है जब कंटम कंटम्पलेशन करते हैं तो याद रखिए कि आ, आप आइसोलेशन के अंदर होते हैं एकांत में होते हैं उनको आप चीज़ों को री रिकलेक्ट कर रहे हैं है ना और सिर्फ वही चीज़ें आपको याद रहेंगी जो पावरफुल इमोशंस होंगे है ना और फिर आपका कंपोजिशन जो वो होता है है ना अब अब बात देखिए आप एटीन जीरो टू जो है अठारह सौ दो जो हैं उसमें वर्जवर्ड और डोरोथी ने जो है वो एक साइट देखी थी डेफोडिल्स की ठीक है और उसके बाद जो है अठारह प्रोबेबली के अनुसार 1804 में Wordsworth ने इस को जब वो लिखा तो ऑब्जर्वेशन और रिकलेक्शन के बीच में दो साल का फर्क हो गया है ना और बाद में आई थिंक 1807 में ये जब वो पब्लिश हुई थी तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं जो है आप देखिए जिस व्यक्ति को ये थियोरी ऑफ पोइट्री नहीं पता है तो वो डेफोडेंस जो है उसको कैसे समझ सकता है उसके जो फोर्थ स्टैंडा में जो रिकलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है का प्रोसेस चल रहा है उसको वो कैसे समझ सकता है ना तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो फोर स्टेजेस ऑफ पोएट्री जो है इनको याद करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आई थिंक जो है उसके डेफोड्स को पढ़ते समय इतनी सारी डिटेल्स आप पढ़ते हैं किसी भी बुक में नोट्स में जो है तो निश्चित तौर पर आपको इस पोइम को समझने में जो है वो आसानी रहेगी है ना ये पार्ट वन है डेफोडिल्स का और पार्ट टू जो है अगला पार्ट जो होगा इस वीडियो का उसके अंदर हम डेफोडिल्स पोइम जो है उसके टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे उसका जो रिटोरिक आस्पेक्ट जो है एस्पेक्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो है इस पोईम को हम करें कि स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम में हमारा एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो देखिए कई लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हमने इस पोइम को जो पढ़ रखा है बिल्कुल पढ़ रखा है है ना बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं है ना जैसे आप जो हैं डेफोडिल्स अच्छे से पढ़ के गए लेकिन वर्ड को लेकर के कोई क्वेश्चन आपको वहां पर पूछ लिया गया जो मैंने इन स्लाइड्स के अंदर आपको बताया तो शायद आप उनको नहीं दे पाएंगे और ऐसा बिल्कुल नहीं है एग्जाम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है तैयार रहिए आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बर्ड के बारे में पूछा जा सकता है अगली वीडियो में मिलेंगे और तब हमारे सामने होगा डफोडिल्स का टैक्स और टैक्स जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन डफोडिल्स के अंदर से आते हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे जुड़े रहिए हमारे साथ जी हेल्प सूरतगढ़ के इस मंच पर आपका यहाँ पर जो है वो स्वागत है सारे के सारे वीडियोज जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे एग्जाम को ध्यान में रख करके जो है वो इन वीडियोज़ को जो है वो बनाया गया है तो हमेशा जो है वो याद रखें कि एग्जाम अनप्रेडिक्टेबल होता है और उसकी तैयारी उसी हिसाब से होनी चाहिए धन्यवाद सुनने के लिए थैंक्स ए लॉट फॉर ए पेशेंट लिसनिंग थैंक्स अगेन।